अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जो है वो बना रहे हैं पराठे। ये वर्की पराठा है, यानी एक एक वर्क उसकी अलग हो जाती है। तो ये वो आटा है, मतलब मैदा है, मैदा, सॉरी मैं हर वक्त आटा कहती हूँ, ये मैदा है जो मैंने पूरियों के लिए सैटरडे की नाइट को गूंदा था। तो जो मैंने आपको बताया था कि 10 पूरी का जो है आटा बचा, वो मैदा बचा है, तो ये वो मैदा है। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं आपको पराठे भी बनाकर दिखा दूं कि इसी तरीके से मैदे के अंदर दही, बेकिंग पाउडर और नमक और जी ये घी डाल के उसको गूंदना है, और ज़्यादा घी नहीं डालना है। 2 किलो के अंदर 4 चमचे डालते हैं और 1 किलो में 2 चमचे घी के भर के डालते हैं। ठीक है, और चाय का 1 चमचा बेकिंग पाउडर डालता है 1 किलो में। और ये इस तरीके से मैदा गूंद के रख देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, लेकिन ये मेरे ओवरनाइट पड़ा हुआ था। तो अब मैं आपको इसका पराठा बनाना बता रही हूँ कि इसका पराठा भी कितना अच्छा और मज़ेदार बनता है। तो ये मैंने बेल लिया है नाजरीन, और इसको बेलना बहुत पतला सा है, बहुत पतला बेलना है इसको। बिल्कुल इतना पतला बेलना है, और इसके ऊपर हमने एक घी लगाएंगे। ये घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर अभी थोड़ा सा मैदा डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरे पे घी लगाना है आपने, ऑयल नहीं लगाना, देसी घी लगा लें, मक्खन लगा लें, लेकिन जो भी लगाएं इसी तरीके से लगाएं। और इस तरीके से हम इस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, सही है, और फिर इसको इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा घी लगाएंगे और इस पर भी मैदा छिड़केंगे, और इसके ऊपर फिर दोबारा से इसको ये तह लगाएंगे। और इसके ऊपर इसको थोड़ा सा हम खींच के लंबा कर देंगे, इसको बिल्कुल बराबर कर दें अपने हाथ से कि कोई कोना बिल्कुल अलहदा ना रहे, सही है। अब इसके ऊपर हम ये घी लगाएंगे और इस तरीके से लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर मैदा छिड़केंगे थोड़ा, ये मैदा छिड़क के इसका हम बिल्कुल बराबर बराबर करके इसको रोल करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा खींचकर इसके दोनों साइड में इस तरह घुसा देंगे। ठीक है, और ये हमारा खूबसूरत सा पेड़ा तैयार हो गया, और इसको हम रखेंगे इसी तरह सारी पराठों के पेड़े बनाकर हम इसको 15-20 मिनट इसको रख देंगे, सही है, और फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे बेलने के बाद। नाजरीन, ये हमने 20 मिनट पहले पेड़े बना के रखे थे, अब मैं इसका पराठा बना रही हूँ, तो बना के दिखाती हूँ मैं आपको। शुरू तो इस तरीके से इसको आपने बेलना है, ना ज़्यादा पतला, और अच्छा आटा जो है ना इसका नरम ही गूंदना है आपने, क्योंकि अगर सख्त आटा गूंदा ना तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। इसी तरह जो वो होती है पूरी, पूरी का भी, पूरी पराठा, पूरी जो भी है, सबका आटा नरम गूंदता है, लेकिन इतना नरम नहीं होगा, बिल्कुल दरमियाना होगा। और कचौरी जो होती है, कचौरी का भी आटा जो है ना नरम गूंदता है, और उसको इसी तरीके से
कचौरी को भी मतलब आटा गूंदने के बाद 2 घंटे रखते हैं और उसके बाद कचौरियों के पेड़े तोड़ते हैं और उनको भी 15-20 मिनट का रेस्ट देते हैं। आज इत्तेफाक की बात है नाज़रीन कि मैंने आपको पराठे बना के दिखाने का व्लॉग बनाने का जो सोचा है और आज गैस जो है ना इतनी हल्की आ रही है। आज इतवार का दिन है यानी संडे का दिन है और दिन के टाइम में भी ये देखें कि इतनी हल्की गैस आ रही है कि देखो अब ये बन जाए तो गनीमत है। तो आप जो है ना इन बातों को पे ध्यान रखेंगे ना कि नरम आटा गूंदना है और उसको रेस्ट कितना देना है और पेड़े बनाने के बाद भी रेस्ट देना है तो आपकी ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी बनेंगी। और अगर हम जैसे कि अब कोई रेसिपी होती है तो उस रेसिपी के मुताबिक नहीं बनाते और उससे थोड़ा सा हट के हम सोचते हैं चलो ये कर लें इसमें ये शामिल कर लें तो क्या होता है कि वो ख़राब हो जाती है, वैसी बनती नहीं। तो फिर हमारी ये होता है कि अल्लाह इन लोगों ने कैसी गलत बताई है। लेकिन गलती हम लोगों की होती है कि हम गलत चीज़ बना लेते हैं। अच्छा तो अब ये पराठे के ऊपर मैं घी लगा रही हूँ और बड़ा बेहतरीन पराठा बनेगा ये। कभी कभी जो है ना ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए, अक्सर नहीं खानी चाहिए क्योंकि अक्सर खाने की वजह से बहुत नुकसान देती हैं ये। तली हुई चीज़ें तो बहुत कम से कम खानी चाहिए, महीने में एक बार इंसान खा ले कोई बात नहीं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ये ऐसी फ्राई चीज़ें या ज़्यादा घी वाली चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। इससे जिगर भी मुतासिर होता है, मैदा भी मुतासिर होता है, इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है, बाज़ दफ़ा मोटापा बहुत आ जाता है। तो ख़्याल रखा करें। और ये जो होते हैं ना बर्गर वग़ैरह शवारमा इन चीज़ों से भी आप परहेज़ किया करें और अपने बच्चों को भी करवाया करें। ऐसी इन चीज़ों की बच्चों को भी आदत नहीं डालें क्योंकि ये इंसान की सेहत के लिए जहर की तरह होती हैं। और हमेशा जो है ना इंसान कोशिश करे कि घर के अंदर साफ़ सुथरा बनाए। शवारमा भी हम घर में बनाते हैं, बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको शवारमा भी बनाना सिखाऊँ और भी बहुत सारी चीज़ें। अब तो रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान की चीज़ें शुरू होंगी, पकौड़े समोसे और कचौरियाँ, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह, चाट चना चाट और दही बड़े, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं शुरू करूँगी। और उससे पहले मैं आपको मसाले बनाना सिखाऊँगी कि दही बड़ों का मसाला, चाट मसाला, हर चीज़ इंशाल्लाह ताला मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। देखें नाज़रीन किस तरह कितना अच्छा लग रहा है, ये खूब फूल रहा है, ये देखें कितना ज़बरदस्त फूल गया और इसकी तह भी अलहदा हो रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये परतें बनी हुई हैं इसकी। ये बहुत मज़े का पराठा बनेगा और आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप कि इसके अंदर जब आप मैदा गूंदें और नमक हसबे ज़ायका डालें तो इसके अंदर 1 किलो के अंदर 2 चमचे चीनी भी डाल दीजिएगा। तो चीनी से भी ना बहुत अच्छा इसका वो बनता है। तो ये तो मैंने पूरियों का गूंदा था इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। तो आप जो है इसमें 2 चमचे चीनी भी डालिएगा तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। नाज़रीन ये देखें हमारे ये पराठे बन चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त बने। देखें कैसी लेयर आ रही है इसके अंदर। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, आपकी इसी तरीके से लेयर आएगी। और ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त पराठा बना है, कितनी लेयरें आ रही हैं इसके अंदर और बहुत सॉफ्ट है, बहुत खस्ता है, बहुत मज़ेदार भी लगेगा। चाय के साथ मक्खन लगा के आप खाइएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी, जितनी भी रेसिपियाँ बना रही हूँ, आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सवाब मिलता रहेगा और ये सदका है। अगर आप मतलब
किस लिए, बहरहाल जैसे भी आप इसको क्या कहते हैं, जितना भी सब्सक्राइब करेंगे आपको सवाब की नियत से, सही है, सवाब की नियत से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत अजर देगा अल्लाह ताला। वैसे भी इंसान के पास आजकल के दौर में नेकियां बहुत कम हैं, तो इस तरीके से भी आप सवाब कमा सकते हैं, सदका दे सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, किसी के रास्ते में से पत्थर हटा दिया, किसी के तरफ मुस्कुरा के देख लिया, किसी से अच्छे तरीके से बात कर ली, किसी की कुछ मदद कर दी। चाहे तो आप मदद आप पैसे के तौर पे ना करें, किसी को समझा दें या किसी को रास्ता दिखा दें, तो ये भी सदका होता है। ठीक है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें, आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। और आप जानते हैं कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, मेरी कैट्स हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए बनाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कैट्स को कुछ ना हो, जबकि मेरी अभी कैट्स जो है ना 5 जो है ना, यानी कि मेरी 13 कैट्स बीमार हुई थी, जिसमें से 5 मर चुकी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इनकी मासूमों की जानें बचाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और हर तकलीफ़ आपसे दूर रखे, और आपके रिस्क में बरकत दे, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।